वेलकम टू सिलाई मशीन गुरु। आज मैं आपको सिलाई मशीन में ये बताऊंगा कि घर के लिए कौन सा मशीन खरीदना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर हमको दुकान वाले ने फंसा दिया, हमको पीको का मशीन दे दिया जिसमें जीन्स नहीं चलती है, टी शर्ट नहीं चलती है। देखिए कुछ जानकारी आपको भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे कस्टमर अब मेरे पास भी आते हैं कि सर हमको ऐसा कोई मशीन दिखाओ जिसमें सारा काम हो, एम्ब्रॉयडरी हो जाए, सिलाई हो जाए, पीको हो जाए। देखिए अगर मैं आपको बेसिक एक फंडा समझाने की कोशिश करता हूँ, टेलरिंग तो आप जानते हो। अगर आप टेलर के पास कोई भी अगर टेलर की शॉप में जाओ, ठीक है, उसके पास ऐसा मशीन क्यों रहता है? आप एक चीज समझिए, अगर सारा काम एक ही मशीन में हो रहा होता तो उसको ये सिलाई की मशीन खरीदने की क्या जरूरत थी? ये किसी दुकान वाले की प्रॉब्लम नहीं होती है, आप जो बताओगे दुकान वाला वही देता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं आज इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये समझा पाऊँ। देखिए थोड़ी बहुत जानकारी हमारे में भी होनी चाहिए कि हमको कौन सा मशीन खरीदना है। पहले तो आपका पर्पस खुद डिसाइड कीजिए। अगर आपको हेवी टेलरिंग का काम करना है तो ऐसा मशीन खरीदिए, सिर्फ सिलाई का। मैं आपको खाली समझाने का पर्पस मेरा यही है कि अगर टेलर कोई भी मशीन, कोई भी कपड़ा सीता है या कोई भी पीको फॉल एक ही मशीन खरीदता तो सारी जगह पे पीको फॉल की मशीन नहीं होती, तो सिलाई की मशीन कौन खरीदता? देखिए इसका पर्पस कुछ अलग है, इसका पर्पस कुछ अलग है। आप इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मशीन है ये कोई भी, मैं किसी कंपनी को नहीं बता रहा हूँ, उषा हो, सिंगर हो, कोई भी कंपनी हो, अगर वो चौरस बॉडी है, ठीक है, और फुल शटल का मशीन, फुल शटल मैं आपको दिखा देता हूँ। फुल शटल में गोल शटल लगा हुआ होता है, ठीक है, उस तरीके से, और ऐसा मशीन होता है, ठीक है। तो इसमें आप जीन्स चलाइए, टी शर्ट चलाइए, एनी फैब्रिक यानी कि बुरखे का कपड़ा चलाइए, कोई भी मशीन में, किस तरह की मशीन में चलेगा, क्योंकि ये फुल शटल का हेवी में हेवी ड्यूटी मशीन होता है। जैसे ये जींस का कपड़ा है, इसको आप दो नहीं, दो की जगह आप चार कर दो, चार की जगह आप आठ कर दो, ये खींचने की ताकत रखता है, ठीक है, ये यहाँ तक चला लेगा। लेकिन इसी काम को अगर मैं इसमें करूँ, पीको मशीन में, जिसमें आप कहते हो कि सर इसमें पीको भी हो जाए, सिलाई भी हो जाए, हमें दूसरा कुछ करना ना पड़े। देखिए इसका पर्पस अलग है, ये एम्ब्रॉयडरी का मशीन है जिसमें थोड़े से अटैचमेंट लगा के इसे पीको सिलाई मशीन किया गया है। आपका अगर कभी कभी का काम है तो आप ये घर के लिए बेटर है, ठीक है। अगर आप बाहर टेलरिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो ये मशीन आपके लिए बेटर नहीं है। उसका एक कारण है क्योंकि ये पीको मशीन इस तरीके से आती है, एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ बेल्ट लगा होता है, ये गियर वाली मशीन, मैं ज्यादातर गियर वाली मशीन बेचता हूँ, पर मैं भी कस्टमर को ये बता के देता हूँ कि सर जीन्स का कपड़ा ये मशीन में नहीं चलता है, क्योंकि ये सेटिंग जो होती है हर किसी की अलग अलग होती है। अभी मान लीजिए कि घर में अगर बच्चे की पैंट फट गई तो आप पड़ोस में तो जाओगे नहीं, ठीक है। अगर आपका ज्यादातर काम सिलाई का है तो आप इन मशीनों में जाइए, फुल शटल खरीदे, सिलाई मशीन खरीदे, पीको मशीन ना खरीदे। अगर आपका काम पीको का है तो ये सबसे बेस्ट है, आप इसमें 12 घंटा पीको कीजिए, इस मशीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी पीको मशीन में। लेकिन सिलाई जैसे ही आप ब्लाउज, एक दो ब्लाउज सिना तो आप सी सकते हो, कंटिन्यू इसमें आप सिलाई का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो ये फंक्शन दिया गया इससे ये नीडल इधर उधर होती है, आप देख पा रहे होंगे। तो मेरा समझाने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि आपको अगर टेलरिंग पर्पस से खरीदना चाहते हो, लॉन्ग टाइम चलाना चाहते हो, कोई भी कपड़ा, कोई भी फैब्रिक चलाना चाहते हो, तो ये सिलाई मशीन खरीदे, ना कि पीको मशीन। अगर आपका काम पीको का है, ओनली फॉर पीको करते हो, एम्ब्रॉयडरी करते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट है। देखिए इसमें भी दो वेरियंट आते हैं, एक गियर वाला और एक बेल्ट वाला यानी कि चैन वाला। अगर आपका पर्पस ओनली फॉर एम्ब्रॉयडरी है तो आप बेल्ट वाला मशीन खरीदे, अगर आपको पीको करना है तो आप गियर वाला मशीन खरीदे। पीको में ऐसा, गियर वाले में ये होता है कि आप पैर से चला सकते हो, बेल्ट में नहीं चला सकते। तो ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।